नमस्कार दोस्तों, करंट नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आज हम 19 फरवरी 2019 का करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में IAAF ने पोखरण में कौन से शक्ति अभ्यास का आयोजन किया? इसका आंसर है वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन किया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चौथा कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? ए, हरियाणा के सोनीपत में, बी, उत्तर प्रदेश के आगरा में, या सी, मुंबई में। इसका सही आंसर है ए, हरियाणा के सोनीपत में चौथे कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्वेश्चन, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? इंटरप्रेन्योरशिप एंड एग्री बिजनेस इसका सब्जेक्ट था। और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और इसके मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं। राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 40वें अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक रेगिस्तान महोत्सव का आयोजित कहाँ किया गया? ए, जैसलमेर में, बी, गुजरात में, या सी, राजस्थान में। इसका सही आंसर है ए, जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कौन सी विधानसभा ने स्थानीय मतदान के लिए न्यूनतम योग्यता के लिए विधेयक पारित किए हैं? ए, राजस्थान, बी, उत्तर प्रदेश, या सी, पंजाब। इसका सही आंसर है ए, राजस्थान विधानसभा ने स्थानीय मतदान के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है राजस्थान ने। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसके सीएम है अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल कौन है? श्री कल्याण सिंह है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत के पहले फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए, मुंबई में, बी, कोलकाता में, या सी, नई दिल्ली में। इसका सही आंसर है बी, कोलकाता में। पहले फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर का उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राजनाथ सिंह ने महिला सुरक्षा के लिए पैन इंडिया नंबर कौन सा लॉन्च किया? ए, 112 है, बी, 100 है, या सी, 108। इसका सही आंसर है ए, 112 नंबर महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसमें 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला सुरक्षा के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERAS शामिल हैं। सेवा हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में पहले ही शुरू की जा चुकी है। सबसे पहले कहाँ शुरू की जा चुकी है ये वाली 112 हेल्पलाइन? हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 7, अरुण जेटली ने कौन से मंत्री के रूप में पदभार संभाला है? ये वित्त मंत्री या विदेश मंत्री? वित्त मंत्री के रूप में। अभी तक ये इनकी तबीयत नहीं सही थी तो इसीलिए अपने पद से पद पे नहीं थे। अब इन्होंने वित्त मंत्री का पद दोबारा संभाल लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कौन से जलवायु वैज्ञानिक का निधन हो गया है? ये थे वॉलेस स्मिथ ब्रोएकर थे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ग्लोबल वार्मिंग शब्द को लोकप्रिय बनाने वाले जलवायु वैज्ञानिक वॉलेस स्मिथ ब्रोएकर का न्यूयॉर्क में निधन हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग शब्द को लोकप्रिय किसने बनाया था? इन्होंने ही बनाया था ग्लोबल वार्मिंग शब्द को। कोलंबिया विश्वविद्यालय के 80 वर्षीय प्रोफेसर ने न्यूयॉर्क शहर के अस्पताल में अंतिम सांस ली। न्यूयॉर्क में इनकी मृत्यु हुई। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कतर ओपन किसने जीता? एलिस मेर्टेंस ने। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बेल्जियम की विश्व नंबर 21 खिलाड़ी एलिस मेर्टेन ने विश्व नंबर 3 के सिमोना हालेप को हराकर दोहा के कतर में आयोजित कतर ओपन जीत लिया है। एलिस मेर्टेंस ने किसको हरा कर दे? सिमोना हालेप को हरा कर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में शिव छत्रपति पुरस्कार किसे दिया गया? उदय देश पांडे और स्मृति मंधाना को दिया गया। उदय शिव छत्रपति पुरस्कार किसे? उदय देश पांडे और स्मृति मंधाना को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड ऑनर अवार्ड किसने जीता? झारखंड के एनजीओ युवा ने लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड ऑनर अवार्ड जीता है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। इसके सीएम कौन है? रघुवर दास हैं।
रघुबर दास के सीएम राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 12, आरबीआई सरकार को अंतरिम लाभांश के रूप में कितने करोड़ रुपए का भुगतान करेगा? सरकार को कितने रुपए देगा आरबीआई? इसका सही आंसर है ए, 28,000 करोड़ रुपए। 28,000 करोड़ रुपए का भुगतान अंतरिम लाभांश के रूप में सरकार को करेगा आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में इसराइल ओपन कौन सा पहला मिशन लॉन्च करेगा? सॉरी, हाल ही में इसराइल अपना कौन सा पहला मिशन लॉन्च करेगा? ई, चंद्रमा मिशन या बी, परमाणु मिशन? इसका सही आंसर है ए, चंद्रमा मिशन अपना लॉन्च करेगा। इसराइल अपना पहला मिशन चंद्रमा मिशन लॉन्च करेगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसराइल की राजधानी क्या है? यरूशलम है। यरूशलम है। मुद्रा कौन है? इसराइली न्यू शेकेल। इसराइल की राजधानी यरूशलम है, मुद्रा इसराइली न्यू शेकेल। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में जीपीएस के बिना नौ वाहन क्षमता के साथ चलने वाला कौन सा रोबोट विकसित किया गया है? एंट, एंटी बोट करा, एंटी बोट नाम है इसका। कौन सा रोबोट है? एंटी बोट नाम है इसका। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एंट बोट जीपीएस या मैपिंग के बिना नौ वाहन क्षमता के साथ चलने वाला रोबोट है। इसे सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च CNRS और एक्सिस मेरिसेली यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ISM में डिजाइन किया है इसको। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में ईरान ने कौन सी पहली सेमी हैवी मिसाइल लैस पनडुब्बी का अनावरण किया है? फतेह, फतेह का अनावरण किया है। फतेह का फारसी मतलब होता है विजेता, इसको विजेता भी कह सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ईरान की राजधानी है तेहरान है। मुद्रा क्या है इसकी? रियाल है। और इसके राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी हैं। हसन रूहानी इसके राष्ट्रपति हैं। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF फाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नमस्कार।